वेलकम टू अनदर शॉर्ट वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग क्विकली रिव्यू करने वाले हैं अगेन एक रिवोशी फ्लेवर जो हमने लिया था पफेस सब से। यस पफेस सब से हमने बहुत सारे रिवोशी के फ्लेवर्स लिए थे, उनमें से एक फ्लेवर बच गया है एंड टुडे वी गोना रिव्यू समथिंग कॉल एज रिवोशी ओला ज़ापाटा। रिवोशी ओला ज़ापाटा, आई लाइक दिस नेम ज़ापाटा, ओला ज़ापाटा। क्या है इसमें देख सकते हैं हम लोग, आपको मैं पीने के पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आपको चिन्ह दिख रहा होगा सिनेमन का, मतलब दालचीनी, और वहाँ पे नीचे कहीं पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला जो मसाला है जो बिरयानी में डलती है, स्टार वाला मसाला बोलते हैं इसे। और ये पाउडर जैसा क्या है मुझे पता नहीं, क्या ये हल्दी है, मिर्ची तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा पाउडर में क्या आता है मुझे नहीं पता, आई एम अज्यूमिंग दिस इज ट्यूमरिक। और क्या आ सकता है, आपको कुछ लग रहा है और कोई मसाले, बिकॉज इसका डिस्क्रिप्शन मैंने नेट पे देखा था, इन्होंने बोला दिस जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइसेस, तो ये सिर्फ स्पाइस है। इसे मैं सिंगल क्यों पी रहा, बिकॉज हमें रिव्यू करना है कि ये स्पाइस फ्लेवर, सिर्फ स्पाइस वाला फ्लेवर कैसे टेस्ट करता है। डेफिनेटली इट्स अ मिक्सर, मिक्स ही करना है इसको, बिना मिक्स किए आप खाली मसाले खाते हो गए, नहीं मिक्स करके पियोगे ज़्यादा मजा आएगा। पड़ोगा बस यहाँ पर रिव्यू के लिए मिक्स करके, सॉरी सिंगल पी रहा है। यहाँ पे हुक्का लगा दिया है मैंने और हम ड्रैग लेंगे, शायद अभी एक्टिवेट भी हो गया है, लेट मी चेक इट आउट। ठंडा ठंडा मसाला, ठंडा ठंडा लग रहा है काफ़ी, मिंट क्यों डाल दिया, मीडियम लेवल का ठंडा है, और भी ठंडा नहीं है। सबसे प्रोमिनेंटली मुझे जो समझ में आ रहा है वो आ रहा है दालचीनी, जो कि है सिनेमन। सिनेमन बहुत अच्छा समझ में आ रहा है इसमें, बट ओवर पावरिंग नहीं है। बहुत सारे ऐसे फ्लेवर होते हैं जहाँ पे, जैसे गम सिनेमन हो गया, एक बहुत ही प्रसिद्ध मिक्स गम सिनेमन मिंट जो मजाए में भी आता है, अफजल में बहुत ही तगड़ा वाला गम सिनेमन मिंट आता है, या गम सिनेमन फ्लेवर आता है, बहुत सारे ब्रांड में आता है, बहुत लोगों को पसंद आता है गम सिनेमन, और मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छा होता है वो, बहुत ही उसमें दालचीनी का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। इसमें सरप्राइजिंगली नहीं है, या फिर बोल सकते हैं जो स्टार वाला है बिरयानी का मसाला, ये है थोड़ा ओवरपावर कर दिया है, बट सिनेमन उतना नहीं है, है लाइटर नोट पे है, ज़्यादा नहीं है, लाइटर नोट पे है। और हल्दी, हल्दी का मुझे नहीं पता भाई, स्मोक करेंगे तो कैसा टेस्ट आएगा। हल्दी का टेस्ट खाने में शायद समझ में आता है, कच्चे हल्दी का स्मेल समझ में आता है, बट फ्लेवर में आई डोंट नो, लेट मी चेक। सिनेमन ही आ रहा है, सिनेमन ही आ रहा है, वो स्टार वाला मसाला तो मैंने ऐसा कभी कच्चा खाया नहीं तो मुझे नहीं पता। हालांकि मिक्स करने के बाद मैंने अपनी बीवी को सुंघाया था, सो विदाउट शोइंग द पैकेट, सिर्फ हाथ स्मेल करके देखो कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बोला कि सिनेमन तो है बट एक कुछ मसाला है, खड़े मसाले जैसा कुछ तो है। मैंने बोला स्टार, बोला हाँ स्टार है, खड़ा मसाला है, तो ये बेसिकली गर्म मसाला, काइंड ऑफ गर्म मसाला, नॉट एग्जैक्टली बट कोई तो मसाला है, और ये डेफिनेटली हल्दी है। अगर ये हल्दी है तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज हल्दी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इट्स अ हेल्दी फ्लेवर। लेट मी टेक अ ड्रैग। इनके ऑफिशियल वेबसाइट में भी मैंने चेकआउट किया था कि क्या है ये फ्लेवर, इन्होंने बोला कोको कोला जैसा लग रहा है। यार कोको कोला जैसा तो नहीं लग रहा है, बिकॉज कोको कोला में भी भारी अच्छी मात्रा में सिनेमन होता है। कोको कोला कोई भी कोला पी लीजिए, नॉट एग्जैक्टली कोको कोला, कोई भी कोला पी लीजिए, कोला फ्लेवर में हमेशा सिनेमन होता ही है, और ओरिजिनल जो फॉर्मूला है उसमें भी कोला होता है। एंड ये काइंड ऑफ वैसा वैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज सिनेमन और मिंट मिल गया है, तो इन्होंने वेबसाइट में लिख दिया है कोला, बट कोला है नहीं, कोला है तो यहाँ पे क्यों नहीं डाला भाई, कोला नहीं है, कोला जैसा जैसा फील होता है बट नॉट एग्जैक्टली कोला। लेट मी टेक अ ड्रैग। मुझे ऐसा लग रहा है हल्दी हल्दी कुछ तो, बहुत ही हल्का सा, नॉट कच्ची हल्दी बट पक्की हल्दी,
कुछ तो लग रहा है भाई, कुछ तो है। बट अनीस का एक खुशबू, ये अनीस मतलब इसको शायद अनीस ही बोलते हैं ये वाले मसाले को, बिरयानी वाले मसाले को, उसका एक कुछ एक फूल जैसा कुछ तो, जी खुशबू बिरयानी में खुशबू के लिए डालते हैं हम लोग इसको, तो खुशबू जैसा कुछ तो है। सिनेमन है उसके ऊपर एक हल्का सा खुशबू जैसा कुछ है, वो दोनों आ रहा है, हल्दी का बेनिफिट मिल रहा है मुझे, टेस्ट में नहीं समझ में आ रहा है, बेनिफिट इज बेनिफिट इन साइड यू डोंट नो इट। आपको क्या पता चलता है क्या हल्दी का बेनिफिट है? हल्दी का स्मेल आता है क्या? नहीं आता, राइट? तो है फ्लेवर ऐसा भाई, पसंद सबको आ सकता है, नहीं पसंद आ सकता है, आपको ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हैं। पफ सबके पास है, ओला जमाना होगा यार उनका, कोई टुर्किश का कोई मसाला होगा रीजनल, वही इन लोग ने फ्लेवर बना दिया है। ओवरऑल सिंगल पी सकता है बिकॉज मिंट डाला है, मिंट डाला है तो सिंगल पी सकते हैं भाई, पी सकते हैं सिंगल, बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, ट्राई के लिए पी सकते हैं। बट इस मसाले को आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह, लेमन, लेमन मसाला, लेमन नींबू मसाला टाइप, पपाया सॉर्बिट में मिक्स कर सकते हैं, मेरे हिसाब से सारे सारे फ्रूट में इसे मिक्स करके आप पी सकते हैं, एक्सेप्ट ग्रेप्स रेसबेरी ये सब नहीं, थोड़े लाइटर नोट के सिट्रसी फ्रूट हो गए उसे पी सकते हैं, मैंगो मसाला बना सकते हैं, वनीला थोड़ा सा डाल के, बेसिकली कोई भी चीज आपको मसालेदार बनानी है तो बना सकते हैं, कोई भी फ्रूटी, ऑरेंज का भी मसाला बनाया जा सकता है, थिंक इट लाइक दैट कि ऑरेंज जूस है, उसमें आपने कोई तड़कता फड़कता मसालेदार ड्रिंक बना लिया तो बन सकता है इससे। लेट मी ड्राइव, जो भी मसाले वाला ड्रिंक आप बनाएंगे इसको थोड़ा ज़्यादा डालिए, बिकॉज ये थोड़ा लाइट है फ्लेवर में, थोड़ा सा लाइट है तो ज़्यादा डालिए तो ही मसाला समझ में आएगा, वरना मसाला कुछ समझ में नहीं आने वाला है। चलिए फिर ये रहा मेरा रिवोशी ओला ज़पाटा का रिव्यू, होप सबको रिव्यू पसंद आएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम @buzz_YT को जाके क्विकली फॉलो कर दीजिए, अगर आपको रिवोशी के फ्लेवर ट्राई करने हैं डेफिनेटली गो एंड चेक आउट विद पफ एंड स्टफ। आई एम एंजॉइंग माय फ्लेवर, यू ऑल्सो एंजॉय योर्स, शायद एंजॉय कर रहा हूँ मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में।